बात करते हैं आज के मुकाबलों में, आज भारत का प्रदर्शन कैसा रहा पैरालंपिक के अंदर। आर्चरी, आज आर्चरी में भारत के दो खिलाड़ियों ने भाग लिया, हरविंदर सिंह और विवेक चिकारा, जहां विवेक चिकारा राउंड 32 में तो जीतने में कामयाब रहे पर राउंड 16 में वो ब्रिटेन के खिलाड़ी से 3-7 से हार गए। वहीं हरविंदर सिंह राउंड 32 में इटली के खिलाड़ी से जीते, राउंड 16 में रशिया के खिलाड़ी से, क्वार्टर फाइनल में जर्मनी के खिलाड़ी से, बट सेमीफाइनल में वो यूएसए के खिलाड़ी से हार गए। फिर ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में उन्होंने कोरिया के खिलाड़ी को 6-5 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वहीं आज हाई जंप के मुकाबले में सुबह प्रवीण कुमार ने 2.07 का एरिया रिकॉर्ड बनाते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया और भारत के लिए ये 11वां मेडल जीता सुबह के टाइम पे। शूटिंग के अंदर अवनी लेखारा ने एक बार फिर कमाल करते हुए भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता, फाइनल में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वहीं एथलेटिक्स के वुमेन मुकाबलों में कशिश लाकरा और एकता बयान जो है क्लब थ्रो के मुकाबलों में 6वें और 8वें पोजीशन पर रही। शॉटपुट के मुकाबले में आज एथलेटिक्स के अंदर सोमन राणा ने बढ़िया खेल दिखाया बट वो 13.81 के साथ मुकाबले के अंदर 4th पोजीशन पर रहे। बैडमिंटन, आज सारा दिन बैडमिंटन के मुकाबले चले, जहां मनोज सरकार ने यूक्रेन के खिलाड़ी को सीधे सेटों में 21-16, 21-9 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। वहीं तरुण ढिल्लन ने आज एक मुकाबला जीत के कोरिया के खिलाड़ी से 21-18, 15-21, 21-17 से सेमीफाइनल की अपनी जगह पक्की की, पर वो अपना तीसरा मुकाबला इंडोनेशिया के खिलाड़ी से 19-21, 9-21 से हार गए। सुहास यतिराज आज अपना पहला मुकाबला 21-6, 21-12 से इंडोनेशिया के खिलाड़ी से जीत गए। वहीं आज के दिन का दूसरा मुकाबला 15-21, 17-21 से फ्रांस के खिलाड़ी से वो हार गए, पर वो अभी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं। कृष्णा नागर अपना दूसरा मुकाबला बी ब्राज़ील के खिलाड़ी से 21-17, 21-14 से जीतकर सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई कर चुके हैं। वुमेन कैटेगरी के अंदर आज पलक कोहली जापान की खिलाड़ी से क्वार्टर फाइनल के अंदर 11-21, 15-21 से हारकर बाहर हो चुकी है। वहीं मिक्स्ड डबल में प्रमोद भगत और पलक कोहली की जोड़ी ने अपना मुकाबला थाईलैंड की टीम से 21-15, 21-19 से जीतकर क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के अंदर। स्विमिंग के अंदर आज दो मुकाबले थे, जहां भारत की तरफ से निरंजन मुकंदन और सुयास जाधव ने भाग लिया था, पर दोनों खिलाड़ी अपनी हीट में 6वें और 5वें नंबर पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई न कर पाए। दोस्तों बात करते हैं कल के मुकाबलों की। कल यानी 4 सितंबर को भारत कौन कौन से खेल में भाग लेगा। एथलेटिक्स, कल एथलेटिक्स के अंदर नवदीप सिंह जेवलिन थ्रो के 41 मुकाबले में भाग लेंगे, जहाँ मुकाबले का समय 3:40 पर है और यहाँ पर हम एक मेडल की होप कर सकते हैं। बैडमिंटन के अंदर कल 6 मुकाबले सेमीफाइनल मुकाबले हैं भारत के लिए, जहां पहला मुकाबला प्रमोद भगत का 6:15 पर जापान के खिलाड़ी से है। वहीं दूसरा मुकाबला बैडमिंटन के अंदर मनोज सरकार का सेमीफाइनल के अंदर ब्रिटेन के खिलाड़ी से होगा, मुकाबले का समय 7:00 होगा। और वहीं तीसरा मुकाबला तरुण ढिल्लन का 7:45 पर फ्रांस के खिलाड़ी मजूर से होगा। और चौथा मुकाबला मैंस कैटेगरी के अंदर सुहास का 7:45 पर इंडोनेशिया के खिलाड़ी से होगा। और पांचवा मुकाबला सुबह 10:00 कृष्णा नागर का ब्रिटेन के खिलाड़ी से होगा। तो कल ये मैन सिंगल्स के 5 मुकाबले सेमीफाइनल के हैं। वहीं मिक्स डबल के अंदर भारत का मुकाबला इंडोनेशिया की टीम से होगा और समय होगा सुबह 11:45 पर। शूटिंग के अंदर कल मिक्स टीम का मुकाबला होगा और मिक्स टीम 50 मीटर पिस्टल के मुकाबले होंगे, जहां भारत की तरफ से मनीष नरवाल, सिंगराज अडाना और आकाश भाग लेंगे और मुकाबले का समय सुबह 6:00 होगा। ये पहले क्वालिफिकेशन राउंड होगा, फिर उसके बाद जो है फाइनल राउंड होगा। तो कल के मुकाबलों में यही मुकाबले हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।